हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी व्यास अंसारी। उम्मीद है सब कैसे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। साहब आज आपकी भाई की बर्थडे है, 29 जनवरी 1999। आज आपका भाई 24 इयर्स का हो गया यार, किसी ने विश ही नहीं किया। कर मेरे को जान, या मेरी जान के टोटो, गलत बात है। बल्कि मैं बता ही आप रहा हूँ, विश कहाँ से करना भैया। तुमने बताओ जरा इनको, बताओ जरा इनको विश करना है। भैया देखो क्या हाल कर रही है भाई, चॉकलेट ही लगा लिया पूरी मुंह पे। तो यार मैं तो आज भाई 3 बजे तक तो भाई सोया रहा, सुबह से लेके, बल्कि रात से लेके 3 बजे तक मैंने भाई फुल अपनी नींद टका के पूरी की है। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रहा था ये यार आज स्पेशल डे है, तो भाई इसमें स्पेशल क्या हो सकता है। तो स्पेशल यही था मेरे लिए कि भाई मैं अपनी नींद पूरी कर लूं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाई निकले हैं और बिहार रानी मेरे साथ है। आज का स्पेशल दिन जो है मैं अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो बर्थडे हैं मैंने बहुत अच्छी सेलिब्रेट की हुई है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन आज का स्पेशल डे किसके साथ है? अबिया के साथ। सर क्या बात है सर, बिया ने झूले लेने हैं, बिया ने स्टेक्स खाना है, अबिया ने सैंडविच खाना है, अबिया ने भाई बहुत ज्यादा आउटिंग करनी है, मजे करने हैं भाई। स्पेशल दिन में मजे वाली चीज होने वाली है ना, बल्कि अच्छी हो गई है। वो क्या है कि यार मौसम देखो, मैं हाय 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 मजे, मैं कहता हूँ तूफानी तबाही मौसम है यार, मजे का हाय 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 मजा आ जाएगा आज तो। हाँ तो मैं वेट कर रहा हूँ फिलहाल अवैस का, और मोस्टली पता है आपको मेरा सब वही होता है, भाई है, दोस्त है, और उसका वेट कर रहा हूँ। वो यहाँ से निकल गया था घर के लिए, लेकिन मैंने उसको वापस बुलाया, अब वो आता है भाई तो उसको लेके निकलते हैं। A few moments later. यार मैं तो आ गया था घर, बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी और बाकी फ्रेंड्स की गैदरिंग जो है ना तकरीबन राउंड अबाउट 7 बजे के राउंड अबाउट इकट्ठी होनी थी। तो भाई दो गाड़ियां करनी थी, मैंने कहा यार इनको छोड़ो, अब वो हाईजेट आपको रिसेंटली लिया वो किस काम आएगा, तो भाई वो हमने अरेंज कर लिया, ठीक है। वो आ गया था, उसको निकाल लिया, और भाई जो 10 से 12 मेंबर्स भी होंगे इजिली हाईजेट में चिल लगाते हुए जाएंगे, मजा आ जाएगा। घर से निकल गए और मेरे साथ है भाईजान इस टाइम से है, वो मेरी प्यारी बेटी बिया, और ये भाई हाफिज़ शान अंडा, और ये राणा वैस और असद, और अभी जो है ना तकरीबन 6-7 मेंबर्स हो रहे हैं, और हम परेशान होंगे कि गाड़ी के अंदर कैसे एडजस्ट होंगे। तो भाई देखते हैं क्या होता है और आपको दिखाते हैं भाई कैसे एडजस्ट करते हैं। तो भाई जान फाइनली उस्मान साहब भी आ गए हैं, उस्मान साहब भी मुलाकात हो गई है, और भाई जान भी आ गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई जान को आप साथ लेके आए, बैठो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, ए रन नु चोरी छी करो। भाईजान फाइनली मोर देन 45 मिनट्स का ट्रेवल करने के बाद भाई वापस टाउन आ गए हैं, जहां हमने एमटीज कैफे में रिजर्वेशन करवाई हुई है। और भाई अभी यहां से लेते हैं केक को, लेके फिर भाई निकलते हैं आगे। फाइनली लोकेशन पे पहुंच गए हैं और आपको दिखाता हूं कि एक गाड़ी में कितने मेंबर्स मेरे साथ थे। चलो भाई, एक दो ना, क्यों मुंह लाल हो गया, तीन चार और ये ओ त्यानर, पांच साहब, छ सात और एन ये भाई 8, और उस्मान वहां से 9, सैफ 10 और मैं 11। फाइनली भाई पहुंच गए और अभी ऊपर जाके भाई चिल करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कई लोग बिया भी मेरे साथ है, आप लोगों को मैंने बिया को तो दिखाया ही नहीं, बिया भी बाबा के साथ जा रही है। भाई जान फाइनली एमटीज कैफे आ गए हैं और भाई यहाँ ऑर्डर शॉर्डर करती है, देखते हैं भाई इनका टेस्ट कैसा है। मैं आपको 100% इनका ओरिजिनल रिव्यू भी देने वाला हूँ, और बाकी लोग शौक बैठे हुए हैं भाई जान, दोस्त वगैरह सबको इन्वाइट किया है, जो मेरे अजीज़ हैं, जानने वाले हैं, अच्छे हैं सारे, आलमोस्ट अलहमदिल्ला मेरे साथ हैं। और आज भाई स्पेशल डे को इन्जॉय करते हैं और आपको बताते हैं भाई इसको हमने कैसे एंजॉय किया। मोस्ट लोगों का मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया हुआ है, जो दोस्त वगैरह हैं आपको दोबारा इंटरव्यू करवा देता हूँ। ये है भाई राणा, जिसको नॉर्मली सारे के कहते हैं। कर मेरे को जान। Thank you very much.
अब केक तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया। केक मैंने यार ये वाला डिसाइड किया था क्योंकि एक पाउंड में फिलहाल यही उनके पास अवेलेबल था। मैंने जो चीज मतलब की आसानी से मिल रही थी उसको गरीबत समझा। मैंने कहा यार क्या इतना केक के लिए ढूंढना पड़ेगा। और भैया देखे ये चीज को टेस्ट कर रही है। भैया को पता नहीं क्या, भैया क्या हुआ, ये क्या है? हाँ ये क्या है? नहीं मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए, आप खा के चेक करो, बहुत घटे है। नो 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 नो। भैया सबसे पहले स्टार्टर में हमारे पास ये सूप और सेव, इनका वाकई मजेदार है। मैं तो इसको 10 में से 8 मार्क्स। जान फाइनली हमारे पास मेन कोर्स में है बर्गर्स, ठीक है, जो ग्रिल्स भी हैं और दूसरे भी हैं, मिक्स ही हैं। और इसके अलावा है लोडेड फ्राइज, और इसके अलावा भाई लेमनेड, वो भी इसके बाद पिए गए क्योंकि अभी तो सूप ही है यार। अभी इसको खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। सुभान अल्लाह, हैप्पी बर्थडे। खाओ खाओ बाकी आपकी भाग गल गई। अप्पी वाला काम नहीं, बख्शना जाना, बख्शा जाना किसे? देखो मेरा बाप मेरे को ये टका प्रोफेशनल जान फाइनली खाना शाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इवन बहुत अच्छा रहा और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की बर्थडे। और भाई अभी वो देखे वहाँ नीचे मेरा वेट कर रही है, चलते हैं भाई अभी घर के लिए निकलना है। और एमडीज कैफे का रिव्यू खाने के बारे में क्या है कि भाई जान वाकई बहुत अला टेस्ट है, बड़ी मज़े की चीज़ें थी। तो भाई मस्ट विज़िट कर रहे हैं, लाजमी है। जो चीज़ अच्छी होगी मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा। तो मज़ा आया भाई बरहाल। तो भाई जान रात को आ गए थे घर यार, काफ़ी इवेंट को एंजॉय किया, बर्थडे को सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया दोस्तों के साथ। ये एक ऐसा इवेंट होता है बर्थडे का जहाँ सारे दोस्त वगैरह गेट टुगेदर करते हैं और मतलब कि चिल कर लेते हैं, और करनी चाहिए मेरा ख्याल है कि चलो यार थोड़ा सा बंदा इंजॉय कर लेता है लाइफ को अपने बेहतर तरीके से। सो भाई अभी इसी व्लॉग को हमने करना यही एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और अवैस अंसारी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।